पढ़ाओ पहले, अब देखो व्यू कैसा आ रहा है। अरे चश्मा उतार के देखा, थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू स्टाइल। एंड मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मैं ना अभी कर रही हूँ ब्लॉग। इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हूँ मैं बताऊँगी आपको। वहाँ पहुँच कर बहुत ज़्यादा, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है ग्वालियर का टेम्परेचर अभी। ये ना क्या हुआ है कि मौसम में थोड़ा सा चेंज आया, मौसम थोड़ा बादल बादल हो गए, गर्मी लेकिन बराबर है। और मैं इतना ज़्यादा पसीना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रिया जी का वेट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। और ये सन टेम्पल के बाहर का व्यू, और बिल्कुल सन टेम्पल बंद था तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हेलो गाइस, तो हम लोग आए थे सन टेम्पल, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बिकॉज सन टेम्पल बंद है 30 सितंबर तक। तो हम लोग निकल रहे हैं एंड वेदर भी थोड़ा वैसा वैसा हो रहा है। हम लोगों ने थोड़ी सी और सेल्फी के लिए यहाँ आने को कोई मतलब नहीं बना, लेकिन इतनी दूर आए लेकिन कोई मतलब नहीं बना। तो गाइस हम लोग निकल गए सन टेम्पल, तो ओपन ही नहीं था, तो फिर हमारा मूड थोड़ा सा वैसा हो गया, बेकार था। बट मबदा मैम को दिखाना था बहुत सारी चीज़ें ग्वालियर में देखने के लिए, तो वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं तो उन्होंने नहीं देखा है। तो ये डीबी मॉल वगैरह हम लोग इधर तो नहीं गए, इटालियन गार्डन, और हम लोग गए थे वहाँ जू वगैरह। जू हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे, शाम के टाइम गए थे हम लोग, तो हम लोग जू नहीं गए। देन हम लोग इटालियन गार्डन एंड बैजाताल गए थे। और ये है बाहर का व्यू, जहाँ से मतलब चौपाटी से होते हुए ऐसे जाते हैं ना रास्ते में, तो बहुत सारे वे हैं जाने के। यहाँ हम वही मस्ती मजाक चल रहा है बहुत सारा, ब्रेजेस हुई है बहुत सारे, बहुत ज़्यादा फनी है। हम लोग सभी बहुत मजाक मस्ती करते हैं। और ये वाला गेट ही बंद कर दिया था गाइस इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, नेट जो जाली होती है वो डाल दी थी तो गेट बंद था ये वाला। तो फिर हम लोग फ्रंट गेट से गए, वैसे ये शॉर्टकट रहता है जाने का बिल्कुल ही। तो फिर ये है जू के बाहर का एरिया, हम लोग इधर इस वाले जो फ्रंट गेट है इधर वाले से, तो इस साइड से गए हम लोग। और ये बबिता मैम और मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है। इटालियन गार्डन काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस दिन गर्मी इतनी थी ना, बहुत गजब की गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ वही फोटो सेशन चल रहा है अगेन, क्योंकि यहाँ आए और वजह से भैया बहुत अलग अलग ही पोज दे रहे थे, तो बड़ी हंसी आ रही थी, बहुत ही हंसी आ रही थी, तो बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया बहुत। ये था, और व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था। अरे अगेन यहाँ का व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत सुंदर। मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ तो मन भी नहीं करता इतना जाने का। उस दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ बैठे इटालियन गार्डन में, और बहुत सुंदर लग रहा है। आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है बट गर्मी बहुत है। तो ये यहाँ पर देखो फोटो सेशन चल रहा है, ये खड़े हुए हैं ब्रजेश भैया, दैन ये आकाश भैया, और वो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, बैठी हैं प्रिया दी, ठीक है। और इन लोगों को दिखा दिया ब्लॉग में मैंने, ठीक है, पूरा एडिट कर दी। करंडा मुझे तो माइक पकड़ लो, देखो ब्रजेश कुछ बोलो इसमें, बताओ तुम्हारे बारे में। पग गया आपकी बोलने में। हम इटालियन गार्डन पे आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, okay. अच्छा फील कर रहे हैं हम। नहीं व्यू अच्छा नहीं है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा पहले अब देखो व्यू कैसा आ रहा है। अरे चश्मा उतार के देखा, थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। तो गाइस, तो आप लोगों ने देख ली कितनी पागलबंदी करी है, भैया कह रहे थे कि ना मुझे तो ब्लॉग में ले ले, तो फिर मैंने शूट किया थोड़ा बहुत, यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दिया। बाकी ये देख लो पीछे इनका फोटो सेशन चल रहा है, वो प्रिया दीदी आ रही हैं, ठीक है। तो बस बैठे हैं थोड़ी देर इटालियन गार्डन में, फिर जाएँगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, गर्मी में कहीं निकलना नहीं होता, कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा। बस बैजाताल जाएँगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, फिर चल जाएँगे घर, है ना। ये जो फोटो सेशन करवा रहे हैं, मेरा बिल्कुल क्रेज खत्म हो चुका है फोटो सेशन का, मुझे बिल्कुल फोटो। तो गाइस ये है जो बैजाताल है ना, उसके साइड में ही बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनती हैं पत्थर की, तो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं ना, तो ये उस दिन ओपन था, तो मैं लोगों को भी दिखाने के लिए ले गई। तो इसमें काफ़ी सारी अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जी, पटेल जी और बहुत सारे लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बुद्ध भगवान जी की, काफ़ी सारे हाथी वगैरह सब कुछ, गणेश जी, सभी भगवान देवी देवता सभी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ब्लॉग पसंद आया तो मेरे एक शेयर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।